एक हमारा ये सवाल है, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ बरेली भाई है, तो वो हमें बात बात पे मुनाजरे का चैलेंज देते हैं, और मुनाजरे के साथ मोबाइले का भी चैलेंज देते हैं। जी तो क्या क्या अभी इस वक्त उनसे मुबाला किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे, उसकी क्या क्या शर्तें, क्या है, थोड़े मजाक करते हैं। देखिए, उन हाँ जी, शर्तों की वजाहत तो नहीं करूंगा, अलबत्ता एक आपको बहुत अहम और जरूरी बात बताऊंगा। वो ये है कि मुनाजरा दर हकीकत इसलिए होता है ताकि हक बात तक पहुंचा जाए। अगर मैं हक पर हूं तो आप मेरी बात मान लें, आप हक पर हो तो मैं आपकी बात मान लूं, यानी दोनों का मकसद हक बात तक पहुंचना हो, दोनों का मकसद एक दूसरे को हराना नहीं हो, अपना सर ऊंचा करना नहीं हो। मौजूदा जमाने की हकीकत यह है कि मौजूदा जमाने के मुनाजरे सिर्फ झगड़ा करने के लिए, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, अपने मजहब को सही साबित करने के लिए इसलिए होते हैं, इसीलिए उसमें इखलास नहीं होता है और जो है हक की बालादस्ती नहीं होती है, ये मकसद नहीं होता है। लिहाज और बल्कि कई दफा फितने और फसाद होते हैं उसकी वजह से, इसलिए आप इस तरह की चीजों से बचे, उसका कोई फायदा नहीं है। आप अच्छे से आराम के साथ शरीयत के दायरे में रहते हुए, अदब में रहते हुए, आप नरमी के साथ हक की दावत दीजिए, और जो आमतौर से सोशल मीडिया वगैरह पे जो मुनाजरे होते रहते हैं, कोई भी उससे फायदा नहीं होता है, बल्कि उससे फसादात ही होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप जितना समझा सकते हैं समझाएं, मुनाजरे वगैरह के पीछे ना पड़े, और खास तौर से अगर आप एक आम आदमी हैं, आलिम दीन नहीं है, तो आपको इससे दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। जजाकल्लाहु जैसे खैर। गांव में हम लोग हैं, और हम लोग लोगों को हक की बात पहुंचाते हैं और उनको समझ में भी आती है बात, लेकिन कई की कुछ लोग बोलते हैं कि मुनाजा कर लो तो उससे सबको आप पता उनसे चल कह जाए। दीजिए कि आप उनसे कहिए कि मुनाजरा नहीं करना है हमें। देखिए, जो और आम लोग हैं उनको दावत देते रहिए, और इंशाल्लाह, और इसका फायदा हो रहा है। असल में परेशानी उनको इसलिए है कि लोग जब किताबो सुन्नत की बात सुनते हैं, किताबो सुन्नत का हवाला सुनते हैं, एक आम आदमी, जो एक आम आदमी जिसके पास सेंस है और जिसके पास दीन की हमियत और गैरत है, जाहिर है जब आप उसको कहोगे काल अल्लाह काल रसूल, अल्लाह ने कहा रसूल ने कहा, तो आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा और सच्ची बात उसको अपील करेगी। तो इससे परेशानी है अहले बातिल को, जिन लोगों को फिक्र होती है अपने इमाम साहब की और मजहब की हिफाजत करने की, उनको इससे परेशानी होती है। परेशानी होने दीजिए, आप हक की दावत देते रहिए, और ये मुनाजरे वनाजरे से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि बसा औकात मान लीजिए आप मुनाजरा करने गए, आपके पास इल्म नहीं है, सामने वाला चर्ब जबान है, अब वहां पर जी आप लाजवाब हो गए। आप लाजवाब इसलिए नहीं हो गए कि आप बातिल पर हैं, आप लाजवाब इसलिए हो गए कि आप ना तो चर्ब जबान है ना तो आपके पास इल्म है। अब उसका नतीजा क्या होगा कि जो सुनने वाले हैं, आप जिस हक पर हैं, वो समझेंगे कि आप बातिल पर हैं, तो उसका जी उल्टा जो है रिएक्शन होगा। तो आप मुनाजरे वगैरह से दूर रहें, और आपकी बातों से लग रहा है कि आप ऐसा कोई आलिम दीन नहीं है, तो खास तौर से जो आलिम दीन नहीं है, अगर वो चैलेंज कर रहे हैं, करने दीजिए, ये हर जमाने में होता है, जी आप हक की दावत देते रहिए।